मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 11 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 है, एक कार है, उस कार में दो वाइपर लगा हुआ है और वह वाइपर परस्पर एक दूसरे के ऊपर कभी आच्छादित नहीं होता है। प्रत्येक वाइपर के जो पत्ती है उस पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और यह वाइपर 115 डिग्री के कोण तक घूम करके सफाई कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए क्या कि प्रत्येक पत्तियों के प्रत्येक गुहार के साथ वह जितना क्षेत्रफल को साफ कर सकता है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। एक कार है और उस कार में दो वाइपर लगा हुआ है और वह वाइपर जो है वो कभी एक दूसरे के ऊपर आता नहीं है और उस वाइपर के जो प्रत्येक पत्ती है वह पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और यह जो वाइपर है यह वाइपर 115 डिग्री के कोण तक घूम करके सफाई कर सकता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पत्तियों के प्रत्येक गुहार के साथ वह जो वाइपर साफ करेगा इसका क्या क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि एक कार में वाइपर कहाँ लगा रहता है, उसके शीशे पर लगा रहता है, शीशे के ऊपर। तो चलिए इसको हल करने के लिए हम आकृति के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो मान लो ये एक कार का शीशा हो गया, ठीक है, और इस कार के शीशा में वाइपर इस प्रकार से लगा है, मान लो, ठीक है। तो ये वाइपर क्या करेगा, यहाँ से इतना दूर तक जाएगा और ये फिर इधर इतना दूर तक आएगा, फिर ये इस तरह से इसे घूमेगा। तो घूमेगा किस तरह से, दोनों इस तरह से घूम जाएगा। इसको थोड़ा और बात कर देते हैं, ठीक है। और यह जो पत्ती है इस पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और यह जो वाइपर है वो 115 डिग्री के कोण तक घूम करके इसको सफाई कर रहा है, ठीक। तो इस वाइपर के जो पत्ती है वो पत्ती के प्रत्येक गुहार के साथ यह कितना क्षेत्रफल को साफ करेगा, इसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं आकृति को, या आकृति कैसा है, एक वृत्त के त्रिज्यखंड के जैसा है, कैसे है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। ये क्या हो गया, मान लो वृत्त हो गया और इस वृत्त के दो त्रिज्याओं तथा इसके संगत चाप के द्वारा घेरे गए इस प्रकार के इस भाग को हम त्रिज्यखंड कहते हैं और इसी प्रकार का आकृति यहाँ भी बन रहा है। तो यह आकृति कैसा है, त्रिज्यखंड के जैसा है। तो इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम यदि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे तो वह कितना क्षेत्रफल को साफ कर पाएगा ये हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का आकृति कितना है, दो है, इसलिए हम दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हल में क्या, प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई, प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई और यह जो पत्ती की लंबाई है वो त्रिज्या के लिए तैयार काम करेगा, इसलिए लिखेंगे त्रिज्या आर से दर्शाते हैं 25 सेंटीमीटर और प्रत्येक वाइपर के जो कोण है वो कितना दूर तक घूमकर सफाई करता है, 115 डिग्री। तो सीधा यहाँ पर देखेंगे जो कोण है उसको थीटा से दर्शाते हैं, कितना दिया है ये 115 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है कि प्रत्येक पत्तियों के प्रत्येक गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखते हैं पत्तियों के प्रत्येक गुहार के साथ सफाई होने वाले क्षेत्रफल। पत्तियों के प्रत्येक गुहार के साथ
360 डिग्री। अब चलिए सबका मान बिठा करके हल करते हैं, ये 2 हो जाएगा पाई 22/7, आर त्रिज्या कितना है 25 सेंटीमीटर है, स्क्वायर इंटू 25 इंटू 2 बार लिखेंगे, थीटा कितना है 115 डिग्री है और बटा 360 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए काटते हैं, डिग्री से डिग्री कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 23 बार में, 23 को काटेंगे तो ये 72 बार। अब इसको काटेंगे ये 2 से तो 11 बार में और ये 36 बार में, ये भी कट जाएगा कितना बार में 18 बार में। तो यहाँ पर क्या बच गया 11 × 25 × 25, मतलब 25 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 6 × 25 × 23 बटा क्या हो जाएगा 7 × 18, जो नीचे में है वो 18। अब चलिए इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, पहले दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 253 × 625 बटा इसको गुणा करेंगे तो 126 आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद प्राप्त हो जाएगा 1581/25/126 और ये जो आ जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो आएगा वो हो जाएगा पत्तियों की प्रत्येक गुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल। तो ये हो गया क्वेश्चन 11 का हल, आज इतना ही, आप लोग इसे अच्छी तरह देखें और अपने से बनाने का कोशिश करें, आज इतना ही, थैंक यू।